केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अभी सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। बुधवार की सुबह आयकर व ईडी ने एक साथ रामपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद समेत आजम खान के 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी की ये कार्यवाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर की जा रही है। आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में सपा विधायक नासिर खान और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम के घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। ये दोनों नेता भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। सीतापुर के रिजेंसी स्कूल में भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के बाद रिजेंसी स्कूल और अल जौहर ट्रस्ट के बीच कोई कनेक्शन होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि अल जौहर ट्रस्ट का लोगो यही डिजाइन हुआ था। लखनऊ से ईडी की टीम ने कई बार रामपुर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। बुधवार सुबह ईडी उनके घर पहुंच गई। घर को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है। जांच दल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवर के घर भी पहुंचा हुआ है। उधर मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की है कार्यवाही चल रही है। भवानी नगर में जल निगम के पूर्व इंजीनियर जकीउर रहमान के घर भी टीम जांच पड़ताल कर रही है। जकीउर की बाले मियां ट्रस्ट के सामने कोठी है, यहाँ टीम जांच कर रही है। देखिए, इस बारे में किठौर से सपा विधायक शाहिद मंजूर ने यह कहा। छापामारी ईडी और सीडी या देश की कोई भी और ऐसी संस्था जो करप्शन को रोकने के लिए काम करती है, ये अगर निष्पक्षता से काम करें तो कोई शिकायत नहीं। और ये संस्थाएं अगर सरकार के इशारे पर काम करें तो फिर सारे देश की निगाह इनके इस कृत पर जाती है और मैसेज जो वो ख़राब जाता है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता आजम खान साहब, उनको कई मुश्किलात का सामना इन सरकारों में करना पड़ा है। अब अगर न्यायालय से उनको नियम न्याय मिला है तो अब दोबारा से ये प्रताड़ित करने के काम हो रहे हैं। 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए और 9.5 साल भारत सरकार को हो गए। जब भी वक्त इलेक्शन का आता है तभी अपोजिशन के नेताओं के पीछे सीडी का इस्तेमाल होता है, ईडी का इस्तेमाल सरकारी फायदे के लिए करा जाए वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और अगर करप्शन को रोकने के लिए हो किया जाए तो फिर उनकी कार्रवाई सबके खिलाफ यकसा होनी चाहिए, वो क्या समाजवादी और क्या अपोजिशन। लंबे समय से वो सरकार के निशाने पर हैं, जेल काट के आए हैं और अब जो ये कार्रवाई हो रही है या जो छापे पड़ रहे हैं, अगर ये कानून के हिसाब से हैं
तो इसमें फिर किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन के टाइम में प्रताड़ित करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। अब राजनीति में तो शिकंजा मैं तो नहीं मानता, हम लोग राजनीति में हैं, अपोजिशन में हैं, तो जो कुछ करेगी सरकार उसको झेलना पड़ेगा ही, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। शिकंजा क्या है, सरकार की अगर नीति यही है तो करो फिर इसको, फिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस बीच रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम खान ने अरबों रुपए की यूनिवर्सिटी बनाई है, ये पैसा कहां से आया है, इसकी हमने शिकायत की थी, अब आयकर विभाग इसकी जांच कर रहा है। यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट करता है, जिसके आजम खान अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट के सदस्यों के घरों पर आयकर विभाग की टीम अन्य स्थानों पर भी जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।